بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुझसे कमेंट के अंदर और व्हाट्सएप के ऊपर जो दोस्त रब्ता कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बीमारी देखने में आ रही है वो ये है कि ये गर्मी की शिद्दत हिद्दत की वजह से टेम्परेचर ना है। कोशिश तो करें कि जो आपने प्रिंटर रखे हैं मैं उनको अपने रूटीन वाइज जो मैंने पीछे वीडियो बना के अपलोड की है, ये गर्मी के हवाले से खुराक के मतलब या दवाओं के हवाले से या पिंदों को रूटीन वाइज ठंडा रखने के हवाले से, तो वो लाजमी देखें। कोशिश करूँगा कि मैं उसका लिंक जो है इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ। तो साथ में करना क्या है कि जिन पिंदों को जो जैसे ही आपको पिंदा आपका सुस्त नज़र आ रहा है या दाना कम कर रहा है, तो फ़ौरन समझ जाएँ कि आपके पिंदे को गर्मी का तौल लग चुका है। बजाय इसके कि आप लेकिन अक्सर जो ना दोस्तों मुझसे जो रब्ता करते हैं, जब उनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ उनसे पूछता हूँ, तो वो खुद ही अपने पिंदे को ज़ाया करते हैं, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं कि हमारे पिंदे को हुआ क्या है, तो ज़ाहिर है फिर वो उसके बिल्कुल मुखालफ देंगे वो मेडिसिन। तो वो क्या करते हैं, एक तो उसके पिंदे को गर्मी की वजह से टम्परेचर हो चुका है, बुखार हो चुका है, गर्मी लग चुकी है, तौ लग चुका है, ऊपर से फिर मज़ीद उसको और गर्म चीज़ें दे देते हैं, तो जिससे पिंदा जो एक्सपायर हो जाता है। आपने करना जनाब क्या है कि जैसे ही आपको पिंदा का सुस्त नज़र आता है, तो 110% उसको बुखार का इशू आ रहा है, गर्मी के टम्परेचर का इशू आ रहा है, ये आप जहन में बैठा लें। भैया इसे कि आप इससे पूछें कि या क्या हो रहा है, ये बीठे उसके अंदर बीठ भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ करेगा, पतली करनी शुरू कर देगा, कभी बिल्कुल येलो कलर की करने लग जाएगा। तो भैया इसे कि आप किससे पूछते हैं या मुझसे रब्ता करते हैं, तब तक आपका पिंदा बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारी जो है उसके ऊपर अटैक कर चुकी होती है। तो ये आप इंजेक्शन आपको एक बार शेयर करने लगा हुआ है, अपने पास रखे वेटी इनरोक्स, इसके अंदर फार्मूला जो है इनरोफ्लोक्सासिन, बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये पिंदों के हवाले से। ये आपने जैसे ही आपको पिंदा जो आपको सुस्त नज़र आ रहा है उसको आपने 3 दिन लगातार लगाना है, 3 पॉइंट लगाना है। जो बड़े पिंदे हैं फुल बड़े साइज़ के हैं उनको आप 3 से 4 पॉइंट, हाफ सीसी नहीं देना, 3 से 4 पॉइंट जो लकीर होती है ना सिरिंज के ऊपर बनी, वो 3 से 4 पॉइंट लगानी है, लकीरें लगानी है, ठीक है। जो छोटे हैं उसको आप 2 लकीरें लगा दें या 3 लगा दें, इस तरह मकदार काम करते जाएँ। तो डेली की एक टाइम लगाना है आपने, 3 दिन लगातार लगाना, जो बिल्कुल एक्टिव है उनको या रूटीन वाइज जो ना कम से कम एक बार लाजमी ये लगा दें, और साथ में आपने ग्लूकोज और नमकोल का जो पानी है वो बना के वो आप रूटीन वाइज अपने पिंदों को इस्तेमाल करें। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के अपलोड की भी हुई है, वो आप देखें। तो ये इंजेक्शन लगाना है आपने, उसके अलावा आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अपने पिंदों को फॉर्म मारनी है, परों को नीचे भी पीछे भी आगे सीने के भी चेहरे को अच्छी तरह धोना है आपने। जैसे आप फॉर्म मारेंगे और ये इंजेक्शन लगाएंगे इंशाल्लाह ठीक आधे घंटे तक आपका पिंदा जो ना बिल्कुल बाहर होना शुरू हो जाएगा। तो पानी की फुहार बहुत ज़रूरी है, नहलाना नहीं है, फुहार मारनी है अच्छी तरह। और उसके अलावा आपने ब्रूफन का सिरप ले लेना है, ये आपने 3 सीसी सिरप सुबह शाम 5 दिन लगातार देना है, चाहे बिल्कुल आपका पिंदा एक्टिव हो भी गया है फिर भी देना है आपने 3 सीसी सिरप और 5 सीसी पानी मिक्स करके आपने सुबह शाम देना है 5 दिन तक, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पहले ही दिन आपका पिंदा जो है बिल्कुल बाहर होना शुरू हो जाएगा। तो इस्तेमाल करें और दो में याद रखा करें, ज़्यादा दिन जनाब अल्लाह।